हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। हमने सिंपलीफिकेशन का एक पार्ट कर लिया क्लास 6 में, अब क्लास 7 है। सिंपलीफिकेशन का पार्ट करेंगे हम नंबर 2, यानी सरलीकरण। सरलीकरण का पार्ट 2, ठीक है। पहला पार्ट हम कर चुके हैं क्लास 6 में। अच्छा, उसके अंदर हमने किया था सारा बेसिक कि किस प्रकार क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। इसमें भी आपको होमवर्क के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले सारे सवाल समझना, उसके बाद वो कर लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अच्छा, एक चीज और, हमारा टारगेट है कि हमें जनवरी के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बात को सुन रहे हैं, जितने भी चैनल को देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारे पास एक फॉर्मूला है आज अपने पास, उसमें क्या आएगा उसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला ये है भाई, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके बराबर होता है? तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, इस फॉर्मूले के ऊपर आज हम लगभग 5-6 क्वेश्चन करेंगे, उनमें से आपको भी होमवर्क दिया जाएगा। तो जो बच्चे फ्रेशर हैं वो ध्यान से देख लें फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। जितने प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे सारे इस फॉर्मूले पे आपको करवा दूंगा मैं, ठीक है। आप बस कंटिन्यू रहिए। सबसे पहला काम तो ये होता है कि कोई फॉर्मूला हमारे दिमाग में चल रहा है, फाइनल एग्जाम अपना दे रहे हैं मान लो कॉम्पिटिशन का, और वहां दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, दिमाग में छोटा सा डाउट आ जाता है कि क्या ये चीज इसी के बराबर होती है, मैंने कुछ गलत लिखा है। तो सबसे पहले चेक कैसे करें, आप चेक कर लो अपनी तरफ से। चेक कैसे करें, आप मान लो कोई छोटी सी वैल्यू ले लो जिसे कैलकुलेशन करने में टाइम ना लगे। ए बराबर हमने ले लिया 3 और बी बराबर रख लिया 1। अब हमें ये डाउट है कि ये फॉर्मूला इसके बराबर नहीं होता, कुछ और होता होगा। तो पहले आप चेक कर लेते हैं, अगर इन दोनों के आंसर बराबर आए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आई, तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो एक ही जगह यहाँ रखे, देखिए आप 3, तो ये होगा 3 का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वायर। पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 8। लेफ्ट हैंड साइड में आंसर बन रहा है 8। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, a की वैल्यू कितनी है 3, माइनस b की वैल्यू 1, 3 प्लस 1, ठीक है। 3 में से 1 गया कितना बचा भाई 2, 3 और 1 4, 4 की 2 से गुणा 8, तो ये दोनों आगे इक्वल, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है, हम गलत नहीं है। ओके, इसी फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, आगे इस टॉपिक में हमारे पास फॉर्मूले और भी हैं। किसी भी फॉर्मूले में कहीं भी कोई डाउट आ जाए फाइनल एग्जाम में, तो आप हाथों हाथ इसको चेक कर लिया करो, ठीक है। अंदाजा नहीं मार के आना, फॉर्मूला सही होना चाहिए हमारा। अब देखो इस एक फॉर्मूले की सहायता से कैलकुलेशन कितनी आसान हो चुकी है हमारी, ठीक है। बहुत हेल्पफुल फॉर्मूला है ये, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं इसके ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है भी हमारे पास पहला, एक आसान सा सवाल ले लेते हैं, एक कैलकुलेशन है। 64 का स्क्वेयर माइनस 36 का स्क्वेयर। अब दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो ये स्क्वेयर हमें आने चाहिए या फिर ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, 130 तक के स्क्वायर मैंने आपको करवाए हैं, तो आपको 64 का स्क्वायर भी आता है, 36 का स्क्वायर भी आता है, आप वैसे कर सकते हो। लेकिन स्क्वायर के हिसाब से करने के बजाय अगर हम इस फॉर्मूले से करें तो कैलकुलेशन चुटकियों में हो जाती है, ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब, ये फॉर्मूला अगर हमें याद हो जाता है तो ये कैलकुलेशन लास्ट 10 सेकेंड है, उससे ऊपर की नहीं है, ठीक है। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिशन में, तो यहाँ पे देख लो। अब हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि यहां से पहले चेक कर लो a बराबर क्या है। a की वैल्यू कितनी बनी 64, b की वैल्यू कितनी बनी 36। अब फॉर्मूले पे अप्लाई कर दो, ठीक है। तो a की जगह क्या रखना है हमें, a की जगह रखना है अभी 64, b की जगह क्या रखना है 36, माइनस कर दिया। a की जगह दोबारा क्या रखना है, फिर से 64, फिर प्लस का साइन, और फिर क्या रखना है 36। अब इसको हल कर लो। अच्छा, 64 में से 36 घटाओ, कितने बचेंगे हमारे पास 28। ओके, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 100, आंसर कितना आ गया 2800, ठीक है। कितना भी लंबा खींचे क्वेश्चन, एक ही स्टेप में हमारा आंसर बन रहा है,
यहाँ पे आप स्क्वेयर कर लोगे, चलो ये तो अभी छोटी संख्या, आप स्क्वेयर भी कर लेंगे। अगर यहाँ तीन तीन अंकों की संख्या दे दी तो क्या उसका स्क्वेयर करते फिरेंगे हम? टाइम बहुत जाएगा, इससे अच्छा है फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, स्क्वेयर जरूर आते हैं हमें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां जो चीज ज्यादा यूजफुल है उसको अप्लाई करना है, तभी टाइम बचेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास 106 का, सॉरी 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94, इसको सॉल्व करना है। तो अब इसके अंदर यहां हम स्क्वायर ऑलरेडी बना के दिए थे, है ये भी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर, बात तो एक ही है। अब ये वाला फॉर्मूला, सॉरी ये फॉर्मूला यहां अप्लाई हो जाएगा। अब ए की वैल्यू कितनी है? 106। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं जिनको कम समझ आ रहा है उनके लिए ये चीज लिखी जा रही है। बी की वैल्यू कितनी है? 94। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब एक बार यहाँ पे प्लस कर लो इनको, 106 प्लस 94, और एक बार इनको कर दो माइनस। ठीक है, अब इसको हल करो, आंसर आ गया। दोनों का टोटल कितना होता है? 200, दोनों का डिफरेंस 12, आपस में मल्टीप्लाई 12 दूनी 24, आगे 2 जीरो, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर हमें आता है तो सवाल बहुत ही आसान है, कितना भी क्वेश्चन को खींच लें दो या तीन स्टेप में आंसर आ ही रहा है, और हमें जब याद हो जाएगा तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप सीधा सीधा ये करोगे। ठीक है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं होती, और याद रहे तो इसकी भी जरूरत नहीं है, सीधा देख लो, एक बार इनको जोड़ो एक बार इनको घटाओ, बस आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल इसी फॉर्मूले पे देखिए कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 999 का स्क्वायर, जैसे मैंने आपको अभी बताया था पीछे वाले सवाल में, अगर बड़ी संख्या आ जाए तो क्या करें, यहाँ पे आ गया 998 का स्क्वायर। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमारे पास 64 और 36 थे, 64 और 36, उनकी तो चलो आपको स्क्वायर याद थी, अब इनका स्क्वायर कैसे करें, और कर भी ले तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन का हमें क्या करना, फॉर्मूला देखो बहुत आसान, एक सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आएगा कैसे वो देखिए, ये हो गया ए, ये है बी, तो इनको भी एक बार जोड़िए, ए प्लस बी करेंगे तो हमें क्या करना है, 999 माइनस 998 गुणा भी 999 प्लस 998। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो अंतर क्या आया, एक आया, एक आ गया यहां पे, इनको ऐड करना है। अच्छा, अब ऐड करने का भी एक तरीका होता है, अब आप ये कर सकते हो, 8 और 9 17, 9 और 9 18 हंसी लागी, फिर 9 और 9 18 हंसी लागी, वो आप कर सकते हो, लेकिन एक चीज और समझिए, यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में ऐड कैसे करें, ये 1000 से कितना कम है, एक कम है, ये 1000 से दो कम है। आगे हम जब इस प्रकार के सवाल होंगे या कैसे भी कैलकुलेशन हो ऐसे ही करेंगे, ध्यान रखना इस चीज को, अभी नोट कर लो, पूरे मैथ के अंदर ऐसा ही चलेगा। ठीक है, तो देखिए ये 1000 से एक कम है, ये 1000 से दो कम है, ये टोटल कितने हो रहे हमारे पास, 1000 यहां होता और 1000 यहां होता, कुल मिला के कितने हो गए, 2000 हो गए, 2000 से कितना कम है, दो और एक तीन कम है, तो इसमें से तीन घटा दो, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1997। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ें कि 8 और 9 17 हासिल एक आ गई, 9 और 9 18 हासिल एक आ गई, फिर 9 और 9 18 और एक हासिल थी वो इसमें जोड़ें, तो आना तो इतना ही है। ठीक है, लेकिन तीन बार जोड़ने से बेटर है कि ये 1000 से एक कम था, ये 1000 से दो कम था, कुल मिला के टोटल हो गए 2000, उसमें से एक और दो तीन माइनस कर दिया, आंसर आ गया 1997। ठीक है, आगे यहां तक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, अब ये कंपलसरी नहीं होता कि हर बार बस दो ही नंबर दिए जाएंगे, उन पे बस एक बार ही फॉर्मूला लगेगा और हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसी संख्याएं आपको या तो चार मिलेंगी या छह भी मिल सकती है, यानी एक ही सवाल में ये वाला फॉर्मूला एक से ज्यादा बार लग सकता है। ठीक है, कैसे लग सकता है वो देखो, अब देखिए भी हमारे पास, मान लो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 999 प्लस 97 माइनस 98 माइनस 96 इनके कर दिए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करना है,
हमने तो यहां तक ही देखा था कि दो संख्याएं होंगी, बीच में माइनस होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, इनके ऊपर भी यही फॉर्मूला लगेगा। लगेगा कैसे वो हमें सोचना है। अच्छा, इस सवाल से दो बातें सीखी, एक तो कि जोड़ा कैसे जाए, दूसरा जब अंतर कम से कम है ना तो हमें गुणा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यहाँ पे अंतर आ गया था माइनस, अंतर आया था इनका एक, एक की गुणा किसी से भी करें आंसर तो सेम वही संख्या आएगी। तो अब हमें यहाँ पे पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे बनाएं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का पेयरिंग का ध्यान रखिए। देखो भाई, पेयर ये भी बन सकता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और पेयर बन सकता है ये भी, लेकिन हम कौन से को प्रेफर करें, किसको पहले करें, तो हमें वो पेयर उठाना है जहां पे अंतर कम से कम हो। अब 99 में से 98 घटाएंगे तो अंतर कम आएगा, या 99 में से 96 घटाएंगे तो अंतर कम आएगा। सिंपल सी बात है, 99 में से 96 घटाएं, आंसर अंतर बचेगा 3, और यहाँ पे अंतर बच रहा है 1, 99 में से 98 घटाने के। तो हम पेयरिंग ये करेंगे अब 99 की 98 के साथ और 97 की 96 के साथ। तो इसी सवाल को दोबारा कैसे लिखेंगे, 99 का स्क्वेयर माइनस 98 का स्क्वेयर प्लस 97 का स्क्वेयर माइनस 96 का स्क्वेयर। ठीक है, अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दो ये वाला, और इसके ऊपर भी ये फॉर्मूला दोबारा लगा दो। ओके, एक सवाल में दो बार फॉर्मूला लगेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इनके स्क्वेयर आपको वैसे भी याद होंगे, आप वैसे कर लो, लेकिन उससे सवाल फिर से वही बात लेंथी खींचेगा। एक बार आप इस सवाल को फॉर्मूले से करके देखना, एक बार सिंपल करके देखना, दोनों में टाइम कितना डिफरेंस आएगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अब इनका डिफरेंस होना चाहिए पहले तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ओके ठीक है, दोबारा यहां फॉर्मूला लगाओ, प्लस का साइन है तो प्लस आ गया, a माइनस बी और a प्लस बी ये भी आ गया। ओके, अब इनका अंतर कितना है, एक, यहां क्या बचा 99 प्लस 98, एक बार जोड़ना मत भाई, ठीक है, प्लस इनका अंतर क्या बचा एक, इनको भी मत जोड़ना, जैसा है वैसा लिख, ठीक है। अब जोड़ेंगे कैसे वो देखो, ये 100 से कितना कम है एक, ये 100 से कितना कम है दो, ये 100 से कितना कम है तीन, ये 100 से कितना कम है चार। अगर इन सब की जगह 100 100 होता तो टोटल कितना हो जाता, 100 200 300 और 400। ठीक है, अगर सबकी जगह 100 होता तो बनता 400, लेकिन ये कितना कम है, ये 100 से एक कम है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, इन सबका जोड़ कितना आ रहा है, इनका जोड़ आ रहा है 10, तो कितना कम हो जाएगा, 400 से 10 कम हो गया, आंसर आएगा 390। ठीक है, तो हमें वैसे नहीं जोड़ना, 9 और 8 17 9 और 1 18 टोटल हमारे पास आएगा, फिर इनको जोड़े, फिर इन दोनों को वापस से जितना भी जोड़ा है फिर जोड़े, इतना लंबा नहीं खींचना, सीधा सीधा दिमाग चलना चाहिए भी हमें कितना प्लस करना है कितना माइनस करना है। ओके, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक होमवर्क आपके लिए, छोटा सा सवाल है, देखने में वो लेंथी लगेगा, करना आप नहीं है। ओके, तो देखिए कैसे करना है इस सवाल को, नेक्स्ट को क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, आप इसको अच्छे से समझ लो, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, एक एक चीज बड़ी बारीकी से समझाइए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चलिए देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ जी, 1999 का स्क्वेयर प्लस 1997 का स्क्वेयर प्लस 1995 का स्क्वेयर माइनस 1998 का स्क्वेयर माइनस 1996 का स्क्वेयर माइनस 1994 का स्क्वेयर। ठीक है, अब ये सवाल देखने में तो बहुत ज्यादा लेंथी लग रहा है कि इसका स्क्वेयर कौन करे, इसका कौन करे, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको तरीका बता दिया। पहले आप पेयर बनाइए, जैसे यहाँ पेयर बनाए हमने जिनका अंतर कम से कम हो, उसी प्रकार इस सवाल में कम से कम अंतर वाले पेयर बना लो, उसके बाद आंसर आ जाएगा, जैसे ये वाला आंसर आ रहा है वैसे ही। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन नहीं है, सारा एक फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, सिंपल सा, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है होमवर्क का, कमेंट कर देना आपका आंसर आ कितना रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसी में इसी फॉर्मूले को दोबारा से कैसे अप्लाई करें, दोबारा मतलब किस तरीके से इस पे और सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा भैया, इस पे सवाल बनेगा नोट कर लिया होगा अब तक तो ये, ठीक है, और जिसने नोट नहीं किया वो वीडियो पॉज करके नोट करके हल करके कमेंट करना, फिर आगे स्टार्ट करना।
चलिए भाई अगला अब हम देखते हैं, इसमें एक चेंज और आ जाएगा। अब देखो ये दोनों पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हैं, इन दोनों में से किसी भी एक पार्ट को उठा के अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो नॉर्मल सी बात है वो डिवाइड में ही आएगा इसके, क्योंकि ये दोनों आपसे मल्टीप्लाई है इस साइड आके डिवाइड। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई, मान लो इसको उठा के ले आए हम यहाँ पे ए माइनस बी, तो इक्वल टू क्या बच गया अपने पास, सिर्फ बचा ए प्लस बी। तो नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा अगला सवाल अब आएगा उसमें हमें ये वाला स्ट्रक्चर दिया जाएगा और पूरे स्ट्रक्चर में हमें ए ढूंढना है और बी ढूंढना है, ए की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू क्या है, उन दोनों को जोड़ना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो देखिए क्वेश्चन, मान लो हमारे पास सवाल आ गया 24 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर डिवाइड बाई आ गया 24 माइनस 14। ठीक है अब एक बार के लिए अपना मान लेते हैं कि आपको ये नहीं पता इसको हल कैसे करना है या किसके इक्वल टू होता है, मान लो इस चीज का आपको पता ही नहीं फिलहाल, आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो एक बार इनको जोड़ो एक बार घटा लो, 24 प्लस 14 और 24 माइनस 14। नीचे जो दे रखा है वहां फॉर्मूला लगता नहीं है, तो जैसा दे रखा है वैसा ही लगा दीजिए नीचे। ठीक है अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, सेम है तो इनको कर दो कट। आंसर क्या दे रहा है हमें, ए प्लस बी आंसर दे रहा है ना, तो यहां भी मैंने क्या लिखा है ए प्लस बी। ठीक है जब तक इस फॉर्मूले के डिवाइड में माइनस आएगा तब तक हमें आंसर कौन देगा, ए प्लस बी आंसर देगा। पूरे सवाल में ए की वैल्यू क्या है 24, बी की वैल्यू 14, यहां भी क्या है 24 प्लस 14, दोनों का जोड़ क्या आ गया 38, 38। ठीक है ये आंसर है इसका। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी हो सकता है। और एक सवाल और, यहां तो हम इस पार्ट को उठा के डिवाइड में ले आए, एक इसको चेंज करें तो एक चेंज ये भी बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब नीचे क्या आएगा प्लस वाला पार्ट ले आओ यहां पे, तो इक्वल टू क्या बचेगा ए माइनस बी। तो अब हमें आंसर कौन देगा, जो ए और बी का डिफरेंस है इस स्ट्रक्चर में, ए और बी का जो डिफरेंस है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ नहीं चेक करना, सिर्फ पूरे सवाल में इतना देखो ए बी की वैल्यू क्या है, उनका डिफरेंस हमारा आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अच्छा एक चीज और, ये चीज पलट कर भी लिखी जा सकती है, एग्जाम में आ सकती है। कैसे, ये भी तो हो सकता है ना कि a माइनस बी ऊपर दे दिया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे दे दिया, ऐसा भी तो आ सकता है। ठीक है जब ऐसा आएगा ना तो जानबूझ के ऊपर वाले पार्ट में फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि यहां ना तो स्क्वायर दे रखा ना कुछ और, जहां फॉर्मूला बन रहा है ना ऊपर बन रहा है तो ऊपर फॉर्मूला लगाओ, नीचे बन रहा है तो नीचे लगाओ, हर बार फॉर्मूला ऊपर ही लगेगा, ये कहीं कंपल्शन नहीं है। ठीक है तो जहां फॉर्मूला लगे वहां बनाओ। अब इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा एक बटे में ए प्लस बी। ठीक है इस पे एक सवाल और देख लो, हमें एक संख्या दे एक नंबर दे दिया आठ माइनस पांच और नीचे दे दिया आठ का स्क्वायर माइनस पांच का स्क्वायर। ठीक है तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, पूरे सवाल में आपको पता चल रहा है ए की वैल्यू कितनी है आठ, बी की वैल्यू कितनी है पांच, ऊपर माइनस है नीचे भी माइनस है, तो आंसर कहां से बनेगा, ए प्लस बी हमारा आंसर बनेगा। अब इसको लिखेंगे नीचे एक बटे में आठ प्लस पांच, क्यों लिखा भी क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला लग रहा है नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे बन रहा है ऊपर नहीं बन रहा। ठीक है तो फॉर्मूला नीचे लगेगा, नीचे लगेगा तो हमारे पास बचेगा एक बटे में आठ प्लस पांच, यानी हमारा आंसर आएगा एक बटे में तेरह। ठीक है कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि हर एक सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक गवर्नमेंट सर्विस एक चांस बहुत बड़ी चीज होती है, और आपके लिए वो चांस अब आया हुआ है डीआरडीओ एमटीएस का। टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है, उससे भी जरूरी है एक्यूरेसी, अगर हम पहले अटेम्प्ट में आंसर सही दे रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, अगर पहला अटेम्प्ट हमारा बाई चांस थोड़ा गलत हो रहा है या हमें टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसमें टाइम लगाइए, कब तक, जब तक आंसर सही नहीं आ जाता, और जब आंसर सही आ गया फिर टाइम के ऊपर ध्यान दो कि मैं सवाल कितनी देर में कर पाता हूं। और रट्टा नहीं मारना कहीं भी, आपको कंसेप्ट समझने हैं, कंसेप्ट पकड़ने हैं और उसके बाद आंसर देना है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन,
इतना कर लिया हमने, नेक्स्ट देखो। और अभी तक आपको सिर्फ एक होमवर्क दिया है, अभी उसका आंसर जरूर दीजिए, नहीं आता तो भी कमेंट लिख दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट है। जैसे एक सवाल और ले लेते हैं, 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144 नीचे आ गया 112, इसको भी हल करना है। अब नीचे वाले पार्ट पे ध्यान मत दो, ये कुछ भी हो, आप ये देखो कि यहां तो बन गया ए स्क्वेयर, यहां बन गया माइनस का साइन और ये रहा बी स्क्वेयर, और हमें ये फॉर्मूला आता है, अप्लाई करो आंसर आ जाएगा। नीचे 112 है, उसकी झंझट नहीं है कोई भी, इसकी टेंशन मत लेना, अपने आप कट जाएगा ये। तो ये क्या बना, ए स्क्वेयर, लिखना क्या होता है एक बार, ए की वैल्यू क्या है 256, तो 256 माइनस, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है 144, और फिर से क्या करना होता है ए प्लस बी। ओके, हो गया क्वेश्चन। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है, 112 ही तो बढ़ेगा, ठीक है, तो हो गया आंसर 256 माइनस, सॉरी इनका डिफरेंस आ जाएगा 112 डिवाइड बाय 112 इनटू में इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 400, ये कट गया और आंसर हमारा आया 400, ठीक है। तो फॉर्मूला जरूर बनेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैलकुलेशन बनेगी, ऊटपटांग सी कैलकुलेशन या इलॉजिकल कैलकुलेशन वो नहीं देंगे आपको, बहुत अच्छे सवाल पूछे जाएंगे, अच्छा इन द सेंस लॉजिक होगा उनके अंदर, मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट दो फॉर्मूले और अपने पास, उन पे देख लेते हैं, बहुत आसान फॉर्मूले हैं वो, तो बेसिक से हैं, हमने बहुत बार किए हैं छोटी क्लास में और आप सबको याद होंगे वो, बस करने कैसे हैं वो देख लो। एक अगला फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। ओके, एक फॉर्मूला और होता है ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वेयर, तो ये किसके इक्वल होगा, इसमें सारे के सारे साइन प्लस आ जाएंगे। ओके, बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, ऑलमोस्ट आप सबको याद है, ठीक है। अब इन पे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखो। एक सवाल है हमारे पास इसके ऊपर, हमें दिया जाता है, अब इनके ऊपर जो सवाल बनेंगे ना उनमें हमें राइट हैंड साइड वो देगा, और राइट हैंड साइड में क्या चीज बन रही है वो कंपेयर करके हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली यूज करनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे उससे आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। जैसे हमें राइट हैंड साइड अब गिवन है एक 287 गुणा 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269, ठीक है। अब ये सवाल दे दिया हमें कि इसको हल करो, अब इस कैलकुलेशन का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, इनका भी कोई लॉजिक नहीं बनता, ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमें टाइम की बचत मिलेगी, ठीक है। करना क्या है, आप इसको कंपेयर कर लो, ये क्या बन रहा है पूरा का पूरा ए स्क्वेयर बन रहा है, ये पूरा क्या बन गया बी स्क्वेयर, इनके बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, फिर माइनस है तो माइनस, टू को ऐसे ही रख लो, ये क्या है ए गुणा में ये क्या है बी, ठीक है। तो अब देखो ये फॉर्मूला राइट हैंड साइड कहां अप्लाई हो रही है, ये वाली राइट हैंड साइड और ये वाली पूरी की पूरी सेम है, सेम है तो हमें पता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही, ठीक है, ए की वैल्यू ये बन जाएगी 287 माइनस बी की वैल्यू क्या है 269 पूरे का होल स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन करने की बजाय हमें सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है, तो ये एडवांटेज होता है फॉर्मूले का, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या आएगा, अभी 18 आएगा, 18 आता है ना 17 और 18, हाँ जी 18 पूरे का स्क्वायर। तो अब आपको पूरे क्वेश्चन में सारी कैलकुलेशन हटा के सिर्फ इतना याद होना चाहिए 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर बताना है कितना होता है, हमने थोड़े दिन पहले किया भी था 324, ये हमारा आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो।
अगला क्वेश्चन आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क एक और आ गया, ठीक है। देखो भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर आपको आंसर आते हैं तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आते तो भी कमेंट कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। हमारा टारगेट है जनवरी के अंदर अंदर हमें 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं और ये सारा कुछ आपके सपोर्ट से ही होगा, ठीक है। तो इसको शेयर जरूर करना, जितनी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं सारी जितनी हो सके उतनी शेयर कीजिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लिए एक होमवर्क है 456 गुणा में 456 प्लस 144 गुणा में 144 प्लस का 2 गुणा में 456 गुणा में 144, ये आपका होमवर्क नंबर 2 है, ठीक है। नोट कर लो इसको, ये क्वेश्चन नोट करने के बाद हल करके कमेंट कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझना शुरू करना, ठीक है। नोट कर लो इसको, कितना आएगा आंसर जल्दी से कमेंट करो। कर लिया नोट, चलो अब एक इन्हीं से थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा बन रहा है यही फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। बढ़ेगा कैसे वो देख लो। अब हमें कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा, जैसे एक सवाल ले लेते हैं सीधा ही समझ आएगा आपको। अपने को दिया गया गिवन है 465 प्लस 415 पूरे का होल स्क्वायर और माइनस दिया गया 4 गुणा में 465 गुणा में 415, ये दे दिया हमें, कहता हल करो इसको, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ें फिर स्क्वायर करें, इनकी आपस में मल्टीप्लाई फिर माइनस करें, ये तो कोई लॉजिक बना ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है वो देख लो, एक चीज समझो, 465 465, 415 415। अब अगर वो आपका टाइम ही खराब करना चाहता तो ये नंबर आपको यहाँ सेम नहीं मिलते, सेम दे रखे हैं, ऊपर स्क्वायर भी है, मतलब कुछ तो है, हमें चेक करना है क्या है। चलो देखते हैं, इसको आप ए रख लेते हैं, ये आप बी रख लेते हैं, तो यहां फिर से क्या आ गया, ए इंटू बी आ गया, ठीक है। ओवरऑल हमारे पास नंबर्स को छोड़ के एक बार ए बी पे आ जाते हैं, अपन टेंशन मत लेना, आंसर आएगा डायरेक्ट, कैलकुलेशन नहीं करनी कहीं भी, ठीक है। और समझने के लिए आप इनको ए बी रख लीजिए, ओके। अब ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 को 4 रखिए गुणा में ए गुणा बी, ओके ये भी ठीक है। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है आपको, बिल्कुल आता है, बहुत आसान फॉर्मूला है, ये रहा लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, तो वो पूरा ओपन कर लो एक बार इसको। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं वो लिख रहा हूँ ये रहा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, ओके इतना लिख लिया। अब बाकी तो सोचने वाली बात है ही नहीं, कुछ समझ आए ना ही वो छोड़ दो, आपको इतना दिख रहा है कि ये प्लस का 2ab है और ये माइनस का 4ab है, इनको तो आप हल कर सकते हो ना इन दोनों को, बाकी कुछ ना समझ आए छोड़ दो, झंझट ही नहीं है, कोई बाद में देखेंगे उनको। तो यहां से देखो, ए स्क्वायर का कुछ नहीं कर सकते इसको वैसे ही लिख लो, बी स्क्वायर का भी कुछ नहीं कर सकते तो इसको भी ऐसे ही लिख लो, इन दोनों को आप हल कर सकते हैं, मतलब ये माइनस का 4ab ये प्लस का 2, तो 4ab माइनस का और ये प्लस का 2ab कितना बचेगा, माइनस का 2ab बचेगा। ये देखो हम इतना कर सकते थे उतना कर लिया। अब ये देखो कि ये चीज किसके बराबर होती है, ये वाली चीज, ये रही हमारे पास सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड है, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर, यानी ये ओवरऑल किसके बराबर आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब इस क्वेश्चन को पूरे को हल करने के बजाय हमें सिर्फ इतना हल करना है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है, ए की वैल्यू अपने पास है 465, बी की वैल्यू ये रही 415, पुट करो स्क्वायर करिए आपका आंसर आ गया, ए की वैल्यू पुट करो यहाँ पे कितनी आएगी 465 माइनस 415 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 465 में से 415 गए, कितने बचे 50, ये रहा भी 50, 50 का स्क्वायर आपका आंसर आ गया 2500। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं, कैलकुलेशन हमें कहीं नहीं करनी, फॉर्मूले जरूर लगेंगे, नजरें आप बनाइए,
कि फॉर्मूला कहाँ पे कौन सा लगेगा। रट्टा नहीं मारना, वो यहाँ पे माइनस डाल के यहाँ प्लस डाल सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत बेसिक है, इन्हीं के बेस पे ये वाला फॉर्मूला और क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो हमें इसको ओपन करके ये वाली चीज हल करनी थी। अब यहां से हमारे पास हमारे क्या समझ आ रहा है, एक पॉइंट नोट कर लेना। कुल मिला के सवाल ये बन रहा है, फॉर्मूला ये बन रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस चार ए बी, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ओके, तो एक फॉर्मूला ये रहा, ये दो बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं और एक फॉर्मूला ये निकला यहां से। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। ये थी हमारी आज की क्लास। सिंपलीफिकेशन या सरलीकरण के पार्ट नंबर 3 के अंदर हम नेक्स्ट फॉर्मूले और करेंगे, बहुत अच्छे सवाल हैं और फिर एक पार्ट और बनेगा हमारा। ठीक है, तो ये वीडियो जितनी हो सके उतनी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।